पंजाब का विरोध तेज हो गया है। वहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों ने आगजनी की और खुलेआम सड़क पर पथराव भी किया। वहाँ से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। वहाँ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कों पर तोड़फोड़ की। ईरान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन महसा अमीनी के बाद 20 साल की हदीस नज़फी की मौत ने आंदोलन को और हवा दे दी और ईरान चल उठा। जगह जगह प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे, वो भी एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई गाड़ियों को। ईरान में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरुषों का भी साथ मिल रहा है, जो दिन हो या रात हर समय उनके साथ खड़े हैं। ईरान से एक और तस्वीर सामने आई जहां सड़कों पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी देखने को मिले। ये सभी लोग शरिया कानून का विरोध कर रहे थे। तो ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद से ही महिलाओं की आजादी छीनने की शुरुआत हुई और ईरान में इस्लामिक कानून बनने के बाद महिलाओं की आजादी छिन भी गई। बुर्का या हिजाब नहीं पहनने पर जेल जाना पड़ता है। ईरान में महिलाओं को मेकअप करने पर भी पाबंदी है। इतना ही नहीं, हिजाब से आजादी की लड़ाई काफी पहले से चल रही थी और जानकारी जो आई वो सामने, उसके बाद किस तरह से हालात बिगड़े। 20 साल की हदीस की हत्या के विरोध और इसके बाद जो माहौल बदला वो आप सब ने देखा। राजधानी तेहरान इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध का केंद्र रहा और इस एपिक सेंटर के बनने के बाद ईरान में इस समय 31 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इधर ईरान की महिलाओं के समर्थन में जापान भी अब आ गया है और जापान की राजधानी टोक्यो में ईरान की महिलाओं के समर्थन में रैली निकाली गई। तो देखिए, अब ये जो समर्थन है वो अब एक ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। अगर आप बीते दिनों देखेंगे तो कई ऐसे देश हैं, वहां पर ऐसे इलाके हैं जहां पर न सिर्फ ईरान की महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है बल्कि वो खुलकर उनके समर्थन में आ रहे हैं। अब ये खबर जापान से आई है जहाँ टोक्यो में ईरान की महिलाओं के समर्थन में रैली हुई है। टोक्यो में ईरानी मूल के लोगों ने तेहरान में बैठी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां मौजूद लोगों के हाथों में ईरान का झंडा दिखा। साथ ये लोग ईरान की महिलाओं के समर्थन में नारे भी लगाते दिखे। हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने ईरान सरकार का विरोध किया। कुल मिलाकर ईरान की महिलाएं और उनके अधिकारों के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शन को एशिया, अमेरिका और यूरोप से पूरा समर्थन मिल रहा है। अब तक ईरान में 50 से ज्यादा शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें हिंसा भी बहुत ज्यादा हो रही। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल ईरान में प्रदर्शन कर रही महिलाएं मॉरल पुलिसिंग और हिजाब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर रही। वो हिजाब पहनने को तैयार नहीं, न ही बाल ढकना चाहती है। जिस इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध में ईरान की महिलाएं आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, आइए आपको मैं बताती हूं इसके पीछे की कहानी है क्या। दरअसल इस्लामिक रिपब्लिक मतलब ऐसा देश जहां 100% काम इस्लाम धर्म के नियम से होता हो, ऐसा देश जहां संविधान शरिया कानून के हिसाब से चलता हो। 1989 में 98% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के पक्ष में वोट डाला था और इसी के बाद ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान।